प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा बिल्कुल, और ये फिर एक बॉलीवुड पे संकट है और एक मशहूर एक्टर जो हम सब जानते हैं इस बारे में, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हमारा हम सब इस वक्त इस चीज़ से वाकिफ है। तो पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर संकट को दूर करना, दया करना, क्षमा करना हर किसी पे, और जो तूने काम दिया पिता वो काम को मैं कर पाऊँ तेरी हजूरी में पिता परमेश्वर। पिता वचन प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में भी काम करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजू प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सारी भविष्यवाणी पूरी कर रहा है और फिर एक बार देश में संकट की भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो पूरी दुनिया के लिए है, और आप गवाह है, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर तो खुद बोलता है इसलिए भविष्यवाणी पूरी होती है। बॉलीवुड पे संकट की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्योंकि आज मैं क्यों आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरे जीजू आज परमेश्वर के प्रकाशन से प्रभु ने मुझे बात करी और एक वर्ड मुझे बोला कि मैं क्या, एक सवाल है, क्या हम बॉलीवुड एक्टर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई आप हमेशा मतलब आप बॉलीवुड के लिए भविष्यवाणी करते हो, उसके लिए करते हो, मेरे लिए क्यों नहीं करते, मेरे लिए क्यों नहीं करते? मेरे जी तो बिना परमेश्वर की परमिशन की मर्जी से मैं आपके सामने नहीं आता हूँ, हालेलुया। और क्या बॉलीवुड के एक्टर के लिए प्रार्थना करना गलत होगा? एक सवाल है मेरा। क्या हम उनको ये सोचते कि वो शैतान के ही जन है? मेरे जी तो क्या हम ये सोचते हैं कि वो बुरे लोग हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि वो नरक में जाने चाहिए, उनको बचाने वाला कोई नहीं होना चाहिए? क्या हम ये सोचते कि यीशु मसीह से हमारे लिए आया, उनके लिए नहीं आया? क्या हम ये सोचते कि उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो उनका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता? तो ये सोच हमारी बहुत गलत है मेरे अजीज। परमेश्वर अन्य जातियों के लिए, हम सब के लिए, वरन पापियों के लिए भी आया है, वरन पापियों ही के लिए आया है। तो फिर हम कितनी जल्दी ये सोच लेते हैं, क्योंकि हमारी क्या छवि है, अरे वो नाच गाने वाले, हाँ वो गलत साइड पर है, वो शैतान के चलाए हुए चलते हैं, लेकिन अगर शैतान को अलग कर दो तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, तो प्रभु ने मुझ पर दया क्यों करी? ऐसे तो मुझे तो मन नहीं देना चाहिए था। नहीं मेरे जी, तो प्रभु दया सागर है, अनुग्रह करता है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, हालेलुया। तो आज जब प्रभु मुझ जैसे पापी को, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर काम कर रहा था, शैतान के लिए काम कर रहा था, प्रभु ने मुझे बदला, तो क्या उनका उद्धार नहीं होना चाहिए? क्या उनके जीवन में वो जो नरक में जा रहे, क्या परमेश्वर की कृपा से उनको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? हाँ हम अब लोग कहेंगे, भाई क्या आपकी वीडियो वो देख रहे? अरे परमेश्वर तो देख रहा है, वो ना देखे, मनुष्य को देखे ना देखे, मेरे जी तो परमेश्वर देखना चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ होनी चाहिए। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु काम करता है, हालेलुया। तो आज ये सच्चाई है जो बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप कभी अम्बानी के लिए प्रार्थना करते हो, कभी नेता के लिए प्रार्थना करो, क्या वो आपकी वीडियो देख रहे? अरे उनके लिए मैं देखने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर प्रकाशन देता है। हम घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं और वो उसका जीवन बदल जाता है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, कितने पति हो, यानी कितना ऐसे लोग हैं जिनके विषय में हमने कभी प्रार्थना उन पर रूबरू नहीं करी होगी, लेहन प्रार्थना नहीं करी होगी? एक माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है, बेटा सात समुद्र पार है, बिगड़ा हुआ है ना, या जेल में है, उसके लिए उसको पता भी नहीं मेरी माँ प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, उसका बेटा बदल जाता है, हालेलुया। अब शाऊल नबी, शाऊल जो था, शाऊल जो प्रभु का चेला था, प्रेरित था, यानी कि शाऊल जो कलीसिया को सताने वाला था, उस पर किसने प्रार्थना करी? क्या कभी इसकी प्रार्थना सुनी गई? लेकिन कलीसिया लो लागे प्रार्थना करती होगी, जो वो सताता होगा, क्या उसका जीवन नहीं बदला? और जब जीवन बदला तो क्या वो शाऊल पौलुस बनके परमेश्वर के कार्य में नहीं लग गया? तो मेरे जी तो जरूरी नहीं है कि वही हमारी प्रार्थना से जब उसका जीवन बदलेगा या मेरी वीडियो वहाँ तक जाए। अरे परमेश्वर का प्रकाशन है, कभी भी सामने ला सकता है किसी भी वीडियो को, या दृश्य में बात कर सकता है। परमेश्वर तो वीडियो के माध्यम से नहीं चलता मेरे जी तो, बल्कि आत्मा के माध्यम से चलता है, स्वर्गदूत उसके काम करने वाला है। मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर वहाँ चंगाई देगा, वहाँ जीवन बदल जाएगा और खुशी होगी। अगर ये सोचो कि बॉलीवुड पूरा बदल जाए, बंद हो जाए, और जो शैतान का एजेंडा है, जो शैतान की ओर से सताते हैं लोगों को, जो तभी तो संकट आता है, तभी तो विपत्ति आती है, और वो अगर प्रभु में आने लगे, परमेश्वर की फिल्में बनाने लगे, आत्मिक फिल्में करने लगे, यानी कि एक नाटक के तौर पर, एक लोगों को दृष्टांत के तौर पर मनोरंजन करने लगे, समझाने लगे, तो क्या ही धन्य वह होगा, हालेलुया। तो क्या आप नहीं जानते? इसलिए मेरे अजीजों हमें हर किसी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। एक भी इंसान नरक में नहीं जाना चाहिए, प्रभु मेरी और आपकी ड्यूटी करता है, तो क्या हम किसी को ऐसा छोड़ दें? अगर मैं, अगर आप इस जगह बैठो, यानी कि आप ये सोचो, अगर मेरा भाई बिगड़ा हुआ है, मेरी बहन सही नहीं चल रही, मेरा घर में कोई बीमार है, तो क्या हम उसके लिए लो लागे प्रार्थना नहीं करते? तो प्रभु के लिए तो हर एक बेटा कीमती है, हर एक बेटी कीमती है मेरे जी, तो ये मनुष्य की फितरत है, तो उसके लिए प्रार्थना मत कर, प्रार्थना मत कर। अरे हर
के लिए प्रार्थना करना जरूरी है ताकि परमेश्वर उसको निकाल सके और उसका जीवन बच जाए। और जब उसका जीवन बचेगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। जब शाऊल का जीवन बचा तो कितनी महिमा करी परमेश्वर ने। तो ये सोचो, जब परमेश्वर अपने लोगों का जीवन बदलता है, उन लोगों का जो शैतान में है, तो कितना बड़ा कार्य होता है। आज कितने क्रिश्चियन विरोधी उठ गए। अगर आज मुझसे एक वचन सुनकर जीवन आ जाता है, उसका जीवन में प्रकाशन आ जाता है, तो वो कितने लोगों को प्रभु का चेला बना सकता है। हालेलुया। आज बॉलीवुड में जैसे प्रभु ने जॉनी लीवर को चुना, तो कितने लोगों के जीवन प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया, एक दास बना के खड़ा कर दिया। ऐसे मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बॉलीवुड पे जब अपनी नजर रखे, हाँ तांडव से सुधारता है वो, संकट आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन प्रभु इसलिए चाहता है कि वो बदल जाए, मर नहीं जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होता मेरे अजीजों। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। वचन प्रभु ने मुझे दिया है, उस वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, वचन के द्वारा आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने जब भी आता हूँ प्रकाशन के साथ आता हूँ, अपने दिमाग की उपज लेके नहीं आता। दिमाग में सोच तो बहुत चलती है, लेकिन जब यहाँ बैठते बैठते सोच खत्म हो जाती है और आत्मा बोलती है मेरे जो, खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे बोलते हैं हम सब, गाइड करता हुआ हमें। आज बहुत सारे वचन थे मेरे पास कि मुझे ये वचन देना है, मुझे ये वचन देना है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने कहता है जो मैं कहता हूँ वो वचन दे। हाले, और वही वचन मैं आप तक देता हूँ, वही आप सुनते हो, और इसका सबूत यह है कि हर भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, चाहे वो बॉलीवुड पे हो, चाहे वो संकट हो, चाहे वो पूरी दुनिया पे हो। सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, संकट द्वार पर खड़ा है। इसलिए मेरे जो प्रार्थना करना जरूरी है। देखो प्रभु ने मुझे कौन सा वचन दिया इसी के माध्यम से, इसी के टॉपिक से, याकूब पाँच अध्याय का उन्नीसवा वचन क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेल लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई इससे भटके हुए पापी को फेल लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन दिया, किस वचन से प्रभु ने बात करी मुझसे और आपसे। एक व्यक्ति को फेल नहीं करना मतलब है अनेक पापों पे पर्दा डाल लेना। ये परमेश्वर की प्लानिंग है मेरे जो, हमें और आपको, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें पता है हमारा मुकाबला नहीं होगा, लेकिन हम प्रार्थना तो करें, परमेश्वर दया करने वाला है। वहाँ साफ लिखा है कि एक इंसान जब किसी पापी को फेल लाता है तो परमेश्वर क्या करता है। देखो मैं आपको फिर से इस प्रकार सुनाऊंगा। याकूब, परमेश्वर धन्यवाद करता है इस वचन के द्वारा कि प्रभु ने दिया। याकूब पाँच उसका उन्नीसवा पद क्या लिखा है। हे मेरे भाई, यदि कोई तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेल लाए, तो वे जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेल लाए, वे एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पे पर्दा लगेगा। मेरे जैसो, यानी कि अगर कोई वैसे फिर जाता है, कोई मसीह है वो फिर गया, उसे वापस बुलाओ। लेकिन अगर कोई प्रार्थना के द्वारा आता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम कभी मना नहीं कर सकते प्रार्थना के लिए। हम कभी, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती जो परमेश्वर में मना करता है, वो हम काम करना है। लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों को बचा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष के वारिस हो, आशीष दिया करो। हालेलुया। हमारे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकले, हम पक्षपात ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी इस वचन प्रार्थना को आशीषित करना। और जितने भाई सुन रहे, आज उनके जीवन प्रकाशन आया कि वाक्य में तू जो बोलता है वो वाक्य में सच बोलता है और वो करके दिखाता है। इसलिए पिता, जो संकट आए, जो बीमारी आई है पिता, चंगाई देना और उस पर संकट दया करना, और हर एक इंसान बदल जाए पिता, तेरे में आ जाए, पूरा बॉलीवुड बदल जाए पिता, अश्लीलता वहाँ से खत्म हो जाए। जितने लोग बिगड़ गए खुद देख देख के, आज उतने ही लोग सुधर जाए पिता, आत्मिकता में हो जाए, सिर्फ तेरे द्वारा पिता। बदल दे पिता परमेश्वर, बदल दे पिता, सारी अश्लीलता खत्म हो जाए, डेड हो जाए पिता परमेश्वर उनके जीवन से पिता। और जितने लोग देख रहे पिता, पूरी दुनिया में संकट आया है, उस संकट में हमारी सहायता करना, इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करना। जितने लोग देख रहे हैं आज, उनका सवालों का जवाब मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन से आपने उनसे बातें करी है, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी राय जरूर देना, जो बोला, क्या मैंने सही बोला या आपको सही नहीं लगा, जरूर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, इस चैनल पर जुड़ना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।